आज की क्लास में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे तो आइए चलते हैं आज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कर लेंगे, text functions. Text functions में आज का हमारा फर्स्ट फंक्शन है कॉन्केट फंक्शन ज्वाइन टेक्स्ट वैल्यूज विदाउट डेलीमेटर सो विदाउट डेलीमेटर ये टेक्स्ट वैल्यूज को ज्वाइन करने का काम करता है इसका सिंटेक्स है text वन and text टू and so on. So concat function को हम कुछ examples के through समझेंगे ये कुछ text values हमें दी गई हैं ये देखिए थ्री कॉलम्स में और रिजल्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं सो इक्वल्स टू CONCAT. टैप प्रेस करेंगे टेक्स्ट वन सो हम टेक्स्ट वन में लेंगे एप्पल कॉमा डाल टेक्स टू क्या है हमारा टेक्स्ट वैल्यू टू में है मैंगो अगेन कॉमा ऑरेंजेस ब्रैकेट करा देंगे हम क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए एप्पल मैंगो ऑरेंजेस ये कंबाइन होके इसने थ्री कॉलम्स के जो टेक्स्ट वैल्यूज थे उसको कंबाइन करके एक ही सेल में हमें डिफाइन कर दिया है इसको हम नीचे तक ड्रैग कराएंगे ये देखिए बर्ड्स आर फ्लाइंग ये थ्री कॉलम्स में थे ये भी इसने कंबाइन कर दिया है वन टू थ्री ये भी कंबाइन कर दिया ए बी सी एंड बनानास पंचुएशन थाउजेंड ये भी इसने कंबाइन कर दिया अब यहाँ पे जो लास्ट नेम है मिस्टर आकाश चोपड़ा सो इसको हम कंबाइन करेंगे इक्वल्स कॉन्केट टेक्स्ट वन मिस्टर बट हम चाहते हैं मिस्टर आकाश चोपड़ा में थोड़ा स्पेसिंग आए मिस्टर आकाश चोपड़ा सो इनमें स्पेसिंग आनी चाहिए जैसे एप्पल मैंगो ऑरेंजेस में स्पेसिंग नहीं थी इसमें हम स्पेसिंग चाहते हैं तो इसके लिए हमें कॉमा डबल कोर्स देना होगा फिर स्पेस अगेन डबल कोर्स देन कॉमा हमें टेक्स्ट टू लेना होगा आकाश देन कॉमा एंड हमें आकाश और चोपड़ा के बीच में भी गैपिंग चाहिए तो डबल कोर्स अगेन स्पेसिंग डबल कोर्स कॉमा, एंड लास्ट हम ले लेंगे चोपड़ा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर सो देखिए मिस्टर आकाश चोपड़ा स्पेस के साथ आपको आसानी से विजिबल हो रहा है नेम। तो so, इस टाइप से आप कॉन्केट का यूज करके अपने टेक्स्ट वैल्यूज को विदाउट डेलीमीटर ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सो so, आज का हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन सो इसमें और कॉन्केट में क्या डिफरेंस है टेक्स्ट वैल्यूज को ज्वाइन करता है विद अ सो ज्वाइन टेक्स्ट वैल्यूज विद अ विदेमीटर सो इसमें फर्स्ट है डेलीमीटर so so, वैल्यू है वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री वैल्यू फोर सो इसको हम कंबाइन करके देख लेते हैं इक्वल्स टू टेक्स ज्वाइन डेलीमीटर में हम डबल कोट्स में डेलीमीटर देंगे हम देंगे पंचुएशन डबल कोट्स में देन कॉमा इंक्लूड एम टी सेल्स या फिर इग्नोर एम टी सेल्स आप ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई ले सकते हैं अभी इंक्लूड लेना चाहते हैं हम तो यहाँ पे हम इंक्लूड ले लेंगे सो हमें लेना है फॉल्स देन कॉमा टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा टेक्स्ट थ्री कॉमा टेक्स्ट फोर ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए इसमें हमें पंचुएशन का डेलीमीटर चाहिए था जो कि आ चुका है वन रेशो टू रेशो थ्री रेशो फोर कुछ इस टाइप से हम दिखाना चाहते थे इसको वैल्यूज को तो इसने शो कर दिया है ऐसे ही हम यहाँ पे यहाँ पे हम डिफरेंट देंगे टेक्स्ट ज्वाइन डेलीमीटर में अब हम चाहते हैं यहाँ पे कॉमा सो कॉमा ले, ले लेंगे डबल कोट्स में डबल कोट्स क्लोज इग्नोर empty सेल्स इंक्लूड empty cells, सो so, हमने फॉल्स ले लिया कॉमा यहां पर देखिए फाइव सिक्स सेवन एट को हम कॉमा का डेलीमीटर देना चाहते थे फाइव सिक्स सेवन एट कॉमा में आ चुका है नेक्स्ट हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड सो इक्वल टेक्स ज्वाइन डायलीमीटर में अब हमें स्पेसिंग चाहिए ओनली हमें ओनली स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए यहां पे स्पेस देंगे डबल कोट्स क्लोज कॉमा यहां पे फिर से हम फॉल्स लेना चाहते हैं कॉमा टेक्स्ट वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री एंड वैल्यू फोर बैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड में कुछ स्पेसिंग आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोर्स में डेलीमीटर क्या दिया था स्पेसिंग अब नेक्स्ट बनाना मैंगो ऑरेंजेस इक्वल टैक्स ज्वाइन डेलीमीटर में हम यहाँ पे देना चाहते हैं एंड सो हम यहाँ पे डबल कोर्स में ले लेंगे एंड कॉमा इग्नोर एम्प्टी सेल्स तो यहाँ पे हम टू लेना चाहते हैं कॉमा टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री एंड टेक्स्ट फोर देखिए एम्प्टी टी सेल है इसको हमने ले लिया है बैक क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए बनाना एंड मैंगो एंड ऑरेंजेस सो इस टाइप से इसने डेलीमीटर के थ्रू इसे कंबाइन कर दिया है नेक्स्ट हम ले लेते हैं इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन डेलीमीटर में हम ले, ले लेंगे यहाँ पे कॉमा फॉल्स टैक्स वन टैक्स टू टैक्स थ्री टैक्स फोर बैक वन एंड एंटर सो देखिए हम यहाँ पे कॉमा का डेलीमीटर चाहते थे परसेंटेज को इसने यहाँ पे पॉइंट में डिफाइन कर दिया है अब यहाँ पे हम इसको नीचे तक ड्रैग करा देंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें डॉलर में डॉलर को इसने फिर से पॉइंट में चेंज कर दिया है और यहाँ पे इसने डेट्स को भी यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू में

अगर दोनों सेम है वैल्यूज तो एक ट्रू रिजल्ट देता है और अगर सेम नहीं है तो फॉल्स तो एग्जैक्ट जो है वो एक केस सेंसिटिव है इसमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू अब हम यहां पे रिजल्ट में फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू एग्जैक्ट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए कैरेट कैरेट एग्जैक्टली सेम है तो यहां पे इसने रिजल्ट क्या दिया है ट्रू इसको नीचे तक हम ड्रैग करा देंगे तो देखिए सभी रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं हाउस में एच जो है वो कैप्स में है और यहाँ पे एच स्मॉल में है तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट दिया है क्योंकि जो एग्जैक्ट है वो केस सेंसिटिव है अपर एंड लोअर केस करेक्टर को ये देखता है यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है तो इसने ट्रू दिया है टाइम इज प्रीशियस ये देखिए एग्जैक्टली सेम नहीं है तो इसने फॉल्स दिया है यहाँ पे और टाइम इज प्रीशियस यहाँ पे एग्जैक्टली exactly सेम है तो इसने ट्रू रिजल्ट दिया है तो ये दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का काम करता है अब हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं को में कन्वर्ट करता है इसका सिंटेक्स है वैल्यू इफ वैल्यू इज और रेफर्स टेक्स्ट टी रिटर्न वैल्यू तो ये वैल्यू देगा इफ वैल्यू डज नॉट रेफर टू टेक्स्ट टी रिटर्न एम्प्टी टेक्स्ट अगर वैल्यू में टेक्स्ट नहीं है तो रिटर्न में क्या देगा एम टी दिस फंक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्राम के काम आता है, तो ये कुछ है हम करेंगे इसका रिजल्ट में इक्वल्स टू टी टैप प्रेस करेंगे वैल्यू में हम ले लेंगे ये ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर देखिए रेनी सीजन का इसने एज इट इज रेनी सीजन यहाँ पे रिजल्ट में दे दिया है इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं, देखिए, यहाँ पे रेनी सीजन का रेनी सीजन आ चुका है और जैसे हमने ट्रू दिया या फॉल्स दिया है टाइम को ये टेक्स्ट में डिफाइन नहीं करता तो इसने यहाँ पे एम टी दिया है इस दिया इसने डेट को भी एम टी दिया है यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है दीप कंप्यूटर एजुकेशन ये मेरा चैनल नेम है सो इसको एज इट इज यहाँ पे वैल्यू की तरह शो कर दिया है सो टी फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट को टेक्स्ट में बदलता है अगर वो टेक्स्ट में है तो वैल्यू वो वापस दे देगा और अगर नहीं है तो वो एम टी टेक्स हमें प्रोवाइड करेगा अब हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं सो नेक्स्ट फंक्शन इज फिक्स्ड फंक्शन फॉर्मेट नंबर एज टेक्स्ट विथ फिक्स डेसिमल्स सो ये फिक्स्ड डेसिमल्स के साथ नंबर को फॉर्मेट करता है एज टेक्स्ट इसका सिंटेक्स है नंबर डेसिमल्स नो कोमाज सो कुछ एग्जाम्पल हैं नंबर ये दिए गए हैं डेसिमल्स एंड नो कोमा अब यहां पे रिजल्ट में हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू फिक्स्ड नंबर में हम ले लेंगे ये वाली वैल्यू डेसिमल्स में जितना भी डेसिमल है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस सेल को नो no कोमा no में ट्रू का मतलब होता है प्रवेंट कोमास यानी आपको कॉमा जो है वो नहीं चाहिए अपने डेसिमल्स में और फॉल्स में डू नॉट प्रिवेंट कॉमा यानी कॉमा को ना रोके और कॉमा हमें शो हो अगर वो है अगर कॉमा आ सकता है तो कॉमा शो करे ये फॉल्स डिफाइन करता है तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसमें फॉल्स है फर्स्ट सेल में तो फॉल्स ले लेंगे यानी कि कॉमा जो है वो आएगा आपके नंबर में बैक एंड प्रेस एंटर अब इसको हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करा देंगे तो ये सभी रिजल्ट हमें शो हो जाएंगे ये देखिए तो यहां पे हमें जो कॉमा को नहीं रोकना था तो वन डेसिमल में चाहिए था फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स जीरो पे हमने ट्रू लिया था यानी कि कॉमा जो है वो हमें नहीं चाहिए नंबर में तो ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू डेसिमल में विदाउट कॉमा शो कर रहा है देखिए ट्वेंटी जीरो जीरो ऐसे ही यहां पर ट्रू लिया था वन डेसिमल में ट्वेल्व हंड्रेड पॉइंट जीरो थ्री डेसिमल में चाहिए फॉल्स यानी कि कॉमा हमें चाहिए बट यहाँ पे वन जीरो नाइन एट में कॉमा नहीं लग सकता इसलिए नहीं आया है वन जीरो एट पॉइंट नाइन एटी इसी टाइप से माइनस वन दिया गया है तो टू थर्टी पॉइंट एट सेवन यहाँ पे टू थर्टी आ चुका है तो पॉइंट के बाद की रकम यहाँ पे हट जाएगी जीरो में माइनस वन आ चुका है वन में क्योंकि सेवन के बाद की जो वैल्यू है वो फाइव से अब इसलिए में चाहिए बट यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा माइनस टू फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स जीरो तो ये थ्री डेसिमल में आपको शो कर रहा है तो इस टाइप से आप फॉर्मेट नंबर कर सकते हैं एज टेक्सड विथ फिक्सड डेमल्स अब हम टूडेज लास्ट फंक्शन इज टेक्स्ट अ नंबर टू टेक्स्ट ये नंबर को भाट टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और इसका सिंटैक्स है नंबर तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नंबर दिए गए हैं और रिजल्ट में हम ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इक्वल भाट टेक्स्ट टैब नंबर ले लेंगे वन फर्स्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे तो ये देखिए सभी रिजल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं सो so, भाट टेक्स जो है एक थाई लैंग्वेज का टेक्स्ट है ये थाई लैंग्वेज में इसको चेंज करता है विद सफिक्शन ऑफ भारत वन भारत माइनस वन भात वन ट्वेंटी भारत ओके सो so, इस टाइप से आप भाट टेक्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही आई होप आपको ये सभी फंक्शन समझ में आगे होंगे आज टेक्स्ट फंक्शंस की हमारी लास्ट क्लास थी नेक्स्ट क्लास में कुछ और फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे तो आप अगर टेक्स्ट फंक्शन की मेरी क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उन्हें जरूर देखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे